चरण कमल श्री नाथ जय श्री राम गमन राम पहके श्री हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की जय। हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय रघुनायक पासा पूछत कहते नवल इतिहासा। हनुमान जी महाराज अब श्री राम जी के पास में प्रस्थान करते हैं। चले जा रहे हैं भगवान श्री राम के समीप में सभी वानर। बट किसला बैठे दो भाई परे चरण कपि चरे नहीं जाई। सुनाइए ताज जामंत जी आप सभी कुशल मंगल तो हो ना, किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है। हे भगवान जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा भयो सब कार्य जन्म हमार सुफल भा। हे भगवान आपकी कृपा से हनुमंत लाल ने जो कार्य किया है हम सब का जन्म सफल कर दिया है। नाथ पवन सुत की ने जो करनी से मुख न जाए से बरनी। हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखलाया है वह 1000 मुख से भी हम व्यक्त करें तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। पवन तने के चरित सुहाए जाम मंत्र रघुपत ही सुनाए कहे तात की भात जान की रहते करते इच्छा सुप्राण की। आप जानकी की कुशलात मुझे सुनाए, लंका में रह कर के जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही। हे भगवान नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कहीं बाट। हे दीन बंधु आपका नाम एक पहरेदार के समान है, आपका ध्यान किवाड़ का काम कर रहा है, यदि उनके प्राण निकले तो भला किस रास्ते से। और दीन बंधु चलत मोह चूरामणि रघुपत हृदय सोनीनी नाथ जुगल लोचन भर भारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे भगवान जिस समय में वहां से चला तो माता जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर के मुझसे कुछ शब्द कहे थे वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अनुज समेत कहे प्रभु चरणा दीन बंधु प्रतिकारत हरना। उन्होंने भ्राता लखनलाल के सहित आपके चरणों में प्रणाम कहा है और उन्होंने कहा है कि आप तो अपने प्रण को पूरा करने वाले हैं फिर आप माता जी को क्यों भूले बैठे हैं। मन क्रम बचन चरण अनुरागी के अपराध नात हो त्यागी। और भगवान उन्होंने कहा कि मैंने मन क्रम बचन से आपके चरणों की सेवा की है फिर वो कौन सा कारण है कि जो आप उन्हें भूले हुए बैठे हो उनकी सुध नहीं लेते। नाथ सोने नहीं को अपराधा निसरत प्राण करई हट बाधा। और दीन बंधु आपके बिछुड़ते उनके प्राण उनके शरीर से नहीं निकले तो ये अपराध भी उनका नहीं है, ये अपराध उनके नैनों का है जो कि आपकी राह देखते रहे और उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकले। निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प समवीत तेज चलिए प्रभु आनिए बुजदल खल दल जी। हे भगवान मैं आपसे सत्य कहता हूँ और आप मेरी बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि माता जानकी का एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है, अब आप विलंब ना करें
शीघ्रता से बानर दल को तैयार करके और लंका पे चढ़ाई कर दें। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजु नैना। सोने कपिताए समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। हे कपि, आपके समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला देवता मनुष्य मुनि ऋषि इनमें से कोई भी नहीं है। सोने सुत तो हो पूरन में नाही, मैं देखो विचार मन माही। मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ, ये विचार मैंने अपने भली मन में कर लिया है। सोन प्रभु वचन विलोक मुख गात हर्ष धनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल त्राय त्राय भगवंत। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़े मनसाई, शाखा पे शाखा पर जाई। अब आप सुनाइए रावण की लंका का, कैसे तो आपने समुद्र को पार किया, बड़े बड़े पहाड़ों को लांगा, और उस रावण की लंका में आग कैसे लगाई, अशोक भाट का किस प्रकार उजारी। हे भगवान, मैंने लंका में प्रवेश किया, अशोक बाटका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मार दिया। उसके पुत्र मेघनाथ ने मुझे ब्रह्म शस्त्र में बांधकर अपने पिता के समीप ले गया, तो मैंने वहां जाकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने भगवान कुछ नहीं माना। उसने मेरी पूछ में आग लगाई, तो मैंने उसकी लंका जला दी। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरंत कपिन को आयुष दीजे। और भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। और अब आप विलम्ब ना करें, जितनी शीघ्रता हो सके उसी इतनी शीघ्रता से लंका पे चढ़ाई कर दें। हेता सुग्रीव जी, आप सभी बंदर भालुओं को बुलाएं और लंका के ऊपर चढ़ाई करें। कपि पे पे दे सेना चली, राम की सेना चली, राम की सेना चली, राम की सेना चली। हे हरिनाद पाल कप करे, कब मगाए थे कंच करे। गणेश आया, गणेश आया। इस प्रकार से सारी सेना सागर के तीर पर आ गई। सागर के किनारे पर वहीं पर डेरा डाल दिया भगवान श्री राम ने। रामचंद्र भगवान की जय हो। लंकाधीश अटल सम्राट वेद अध्यायी दशग्रीव रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ, विदेशी लोग लौट गए हमारे भय को देख करके, हमारे बल पराक्रम को देख करके, या कोई उनका कोई संदेश? महाराज, जिस बानर की पूंछ जलाई थी वो वहां पर अपने स्वामी के समीप पहुंच गया, और वो सब लोग बानरों का बहुत बड़ा दल बना करके समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक पृथ्वी लाल ही लाल बंदरों से पटी हुई दिखती है। महाराज, उन्होंने समुद्र किनारे पर अपने डेरा डाल रखे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो वीरों, महावीरों, लंका के वीरों, रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहुत शत्रु समुद्र के उस पार खड़ा करके अपनी तैयारी है। तुम सब लोग अपनी बुद्धि से मुझे परामर्श दो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अब सर जानी विभीषण आबा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा, भ्राता चरण
शेष कृंदावन। गुण सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। हे भ्राता, यदि मुझे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रहे हैं, तो मैं तो अपने मति के अनुसार आपके हित ही की कहूंगा। हे भ्राता श्री, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, सुबुद्धि शुभ गति नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से संसारिक लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख देखना ही पाप है, उसको त्याग देना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब पर हर रघुबीर पद भजहु कहें सदग्रंथ। हे भ्राता श्री, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर मान और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं, इनको छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है, गति है। प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी महाकाल हैं। अनामय माया रहत अजन्मा अजय अनाद अनंत ब्रह्म है, जिनको संसार भजता है उनकी भजना करता है, उन्हीं का आप भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। बार बार पद लागूं विनय करूं दश शीश, परिहर मान मोह मत भजहु कौशलाधीश। हे भ्राता श्री, मैं बार बार आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर के मद मोह मान सबको त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और जानकी जी उनको लौटा दीजिए, इसमें आपका कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। मेरा दुलार रखते हुए, मेरी अनुचित उचित आज्ञा को मानते हुए इतनी ध्यान विनती पर ध्यान दीजिए कि जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और उनका भजन कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो, आपका हित हो। सुमति और कुमति जीव के हृदय में निवास करती हैं, जहाँ स्वमति का निवास होता है वहाँ नाना प्रकार के सुख और संपत्ति रहती हैं, जहाँ कुमति का निवास होता है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख का सामना करना पड़ता है। मूर्ख कहीं के कुलहंगार कुलघाती उत्पाती, लंका में रह करके अब तक जराता रहा मेरी छाती, और आज तू उस तापस की मेरे सामने चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है, मेरा खाता है और बड़ाई उन विदेशी लोगों की करता है, तुझे शर्म नहीं आती है? ओ बासमान भीषण हो, नहीं दंड आज सबोदर खो, अगर तेरे स्थान पर कोई और होता मैं काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाना ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना स्वीकार है मगर सीता देना मंजूर नहीं, समझे ना? अगर तुझे उन तापसों का ही साथ रहना अच्छा लगता है तो जा, तू भी उन लोगों से जाकर के मिल जा। असगह की नसी चरण बहारा तो भ्राता आपके हित ही की कह रहा हूँ, आप मान लीजिए जो मैं आपके लिए मंत्रणा दे रहा हूँ ये सही दे रहा हूँ। जानकी जी प्रभु श्री राम जी को लौटा दीजिए और उनकी भजना कीजिए, इसमें आपका हित होगा, कल्याण होगा, अहित नहीं होगा। अनुज गए पद बार ही बारा। अच्छा यही कहेगा? अच्छा तो तेरी शिक्षा को अवश्य मारूंगा, इधर आओ इधर आओ। जानकी को मैं दे दू कहीं के, चल भाग यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नास्तिक निकम्मा भाई जो हर समय जलाता है मेरे दिल के लिए। चल यहां से, तू भी यहां से निकल जा, उन विदेशी लोगों में जाकर के मिल जा, उन तापसों से जाकर के मिल जा, ये शकल नहीं मुझे दिखाना,
सीता तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भ्राता श्री, आपने मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, इसका मुझे कोई गिलानी नहीं, इसे मुझे कोई संकोच नहीं, क्यों कि आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के स्थान पर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम से बैर को त्याग दो, उनके चरणों में जाओ और जानकी जी को लौटा दो, इसी में आपका हित होगा, कल्याण होगा। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी ये सभा सब काल के बस में है। मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। चल यहाँ से, दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। सुन पायन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पज आज बिलो क्यों इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं पर भरत अपना मन लगाए हुए बैठे हैं, आज मैं उन्हीं के जाकर के अपने नेत्रों के दर्शन करूंगा, आज मेरा जो जीवन है ये कृतार्थ हो जाएगा। जय हो भगवान, जय हो। देखे हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, हे पद परस तरी ऋषि नार, दंडक कानन पावन कार। कौन हो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अपना परिचय दो। हाँ, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, मिला सकते हो? आप रावण के भाई? हाँ, रावण का भाई। ठीक है, यहीं खड़े रहो। हे महाराज, रावण का भाई विभीषण है। क्या कहा तात जामंत जी, रावण का भाई विभीषण आया है, मिलना चाहता है? मिलना चाहता है तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है, जाओ उसको बांध करके और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित करो, जाओ उसे बांध लो। कह सुग्रीव रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण रामा दल की ओर चला आ रहा है, कहो हमारे लिए क्या आदेश है? आप ही बताइए। कह प्रभु सखा बूझिए का, कहे कपीश सुन हुनर ना। प्रभु, इन निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती है, ये नाना प्रकार के छल कपट करके भ्रमाते हैं, इसलिए भगवान मेरा विचार तो यही है कि आप हम कपियों को आदेश दें, उसे बांध करके और रामा दल में पटक लिया जाए, उसकी दुर्दशा देख करके रावण भी आपके चरणों में आकर के गिर जाएगा। तो तुमने सती विचारी है, लेकिन जो मेरा प्रण है वो तो कुछ और है, जो मेरी शरण में आ जाता है वो तो अभय हो जाता है। शरणागत जेत निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मैं ते नहीं बिलोक तिहान। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को जो जीव त्याग देते हैं उनको तो देखने में पाप लगता है और अंत में नरक के लिए प्राप्ति होती है और हानि हानि होती है। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ, सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अज्ञान सही तब ही। चाहे जीव के ऊपर कोटान कोट ब्राह्मणों का वध का पाप क्यों नहीं लगा हुआ हो, लेकिन सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ, उसे अपना लेता हूँ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव के सोई। यदि विभीषण के हृदय में कोई दोष या भाव होता, दुष्ट हृदय होता, तो फिर वो मेरी शरण में आता ही क्यों? उभय भांति ते ही आन हूँ हंस कह कृपा निते, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। विभीषण जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आए तात हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी। जय हो, जय हो। सादर से आगे कर बानर चले जहाँ रघुपति गुण सा, नयन नीर पुलकित अति गाता,
मन धर धीर कही मृत वाला निश्चर वंश जन्म सुरुद्रा था नाथ दशानन कर में भ्राता। हे भगवान, मैं रावण दशमुख का भाई हूँ। श्रवण सुयस सुन आयु प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवी। मैंने अपने कानों से आपका यश सुना है। यश को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। मिल ढिंग बैठारी बोले वचन भक्त बिहारी, कह लंकेश सहित परवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहिए लंकेश, आप अपने परिवार की कुशलात कह के सुनाइए। सभी कुशल मंगल तो है ना, कारण कि आप तो खलों की मंडली में निवास करते हो, फिर आपने अपने धर्म को किस प्रकार से निभाया? बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संजन दे विधाता। चाहे विधाता वो कोटान कोट वर्षों तक नरक में बास दे दे, लेकिन दुष्टों का संग कभी भी नहीं दे। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जनदाया, तो तुम कीन जान जनदाया। अब लग कुशल न जीव का सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम का शोक धाम तज काम। हे देव, मेरी कुशल तो आपके चरणों में है और आज तो मैं अत्यंत कुशल हूँ, जो मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं और मुझे दीन जान करके आपने अपनी शरण में लिया है। हे भगवान, जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसी को आपकी भक्ति मिलती है, आपके चरणों के दर्शन मिलते हैं। जो जीव छल छोड़ करके आपकी भजना करता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। हे भगवान, अब मैं कुशल हूँ, आपके चरणों के दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के जो भय थे वो सब नष्ट हो गए, मिट गए। भगवान तुम के पालु जा पर अनुकूला, तुम के पालु जा पर अनुकूला, दाहिन व्यापति विद भव सूला, दाहिन व्यापति विद भव सूला। हे देव, जिस जीव पर आप कृपा करते हो उसे तीन प्रकार के आध्यात्मिक अधोदैविक अद्भौतिक ताप नहीं व्याप्ते हैं, वो सबसे परे हो जाता है। भीषण, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जो जीव चराचर का द्रोही होता है यदि छल कपट छोड़ के सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ बल्कि अपना बना लेता हूँ। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। ऐसे जीव मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन निवास करता है। अब कृपालु निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जो आपने अपनी अबरल भक्ति भगवान भोलेनाथ को दी है उसी भक्ति को आप मुझे दें। एव मस्त मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सखा सुग्रीव, किसी सेवक को भेजकर समुद्र का जल मंगाएं। भगवान क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूँ आप समुद्र के जल का क्या करेंगे? मैं विभीषण जी के लिए लंका का राज दूंगा। भगवान आप ये क्या कह रहे हैं, आप विभीषण जी को लंका का राज? अभी तक तो रावण जीवित है, आज माना कि विभीषण आपकी शरण में आया तो आप इसे लंका का राजा बना देंगे। कल हो सकता है रावण अपने बैर भाव को छोड़ करके कहीं आपकी शरण में आ गया तो उसे आप कहाँ का राजा बनाएंगे? सखा अंगद, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है कि रावण सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी अयोध्या का राज दे दूंगा। किंतु अयोध्या का राज तो आपने प्रथम भरत लाल जी को दे रखा है, फिर भरत लाल जी कहाँ का राज करेंगे? भाई भरत तो मेरे हैं, उनके लिए मैं अपनी बैकुंठ का राज दे दूंगा। किंतु बैकुंठ में तो आप निवास करते हैं, फिर आप कहाँ जा करके रहेंगे? भगवान
अंगद, यही प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने कहा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो, तो मैंने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नचय, मद वक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा, ना वसु वैकुंठ में ना योगिन ही अमाय, जहाँ मम भक्त गायन करे वसु सो संशय नाय, जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन और गुणानुवाद करते हैं उसी के हृदय रूपी मन मंदिर में मैं जाकर के निवास करता हूँ। आप जल लेकर के सगा सुग्रीव और विभीषण जी और जामवंत जी बताइए कि समुद्र से उस पार हमारी जो बंदर सेना है किस प्रकार से पहुँचेगी, आप सभी मुझे बताएं क्या करना चाहिए अब हमें। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलद कहें उपाय विचार, बिन प्रयास आगत नहीं सकल भाल कबिहार। हे भगवान, ये समुद्र है जो आपके पूर्वज हैं, इनकी प्रार्थना कीजिए ये सहज में ही कोई उपाय बताएंगे जिससे आपकी ये भालू बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के उस पार पहुंच जाएगी। और भगवान, ये समुद्र तो आपका कुलगुरु है ना, आपकी विनती को अवश्य मानेगा। क्यों नहीं, आपने सत्य कहा है, हमें वही उपाय करना चाहिए। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। हे प्रभु, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप देवताओं की स्तुति करने के लिए जा रहे हैं, परंतु प्रभु आप ऐसा ना करें, क्योंकि देवताओं की विनती तो आलसी लोग करते हैं, क्योंकि देवता स्वयं ही आलसी हैं। आप तो प्रभु वीर हैं, आप एक ही बाण धनुष पर चढ़ाइए और इस समुद्र को सोख लीजिए, आप देवताओं की विनती ना करें प्रभु। भैया आप चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ होगा, प्रथम देवता हैं, विनती कर लेते हैं। ऐसा ही किया, विभीषण जी ने सुझाया, श्री राम रघुनाथ जी एक नहीं दो नहीं तीन दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र का ध्यान धरने लगे, कुछ मार्ग कि किस प्रकार से लंका को पार किया जाए। आज मुझे समुद्र की प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए, लेकिन ये मूर्ख मेरी विनती पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसी ने सत्य कहा है कि फेंके बिना प्रीति नहीं होती है। भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष और अग्नि बाण लेकर आओ, एक ही बाण से अभी इसका शोकन किए देता हूँ। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, अंधा ने प्रभु विषिक कराला, उसी मुदल और अनुदल ज्वाला, कनक सार भरी मन गन नाला, देव रूप आए तजमाना। सबय सिंधु कई प्रभुपद घेरे, क्षमुनाथ सब अवगुण मेरे। हे भगवान, मेरे अवगुणों को आप क्षमा कीजिए। सुनत विनीत वचन हट कहे कृपाल मुस्काय, जय विदूत रहे कपि कटक तात सो कहे उपाय। आप हमें वही उपाय बताएं जिससे कि दो हमारा बंदर सेना का कटक है वो समुद्र से उस पार हो जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपकी सेना में 2 नलनील नाम के बानर हैं, उनको श्राप लगा हुआ है कि उनके हाथ से जल में पत्थर डालेंगे वो नहीं डूबेंगे, इसलिए आप उनसे मुझ पर पत्थर डलवाइए और अपना नाम उन पर अंकित कीजिए। लेकिन मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? इसको भगवान उत्तर दिशा में छोड़िए। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत रही राम रण धीरा, देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निज भय सुखारी। जामवंत जी, आप नल और नील के लिए आदेश दें जिससे कि वो एक सुंदर पुल की रचना करें। धा बहु मर कट बिकट बरू था, आनहु बिटम गिरिन के यू था, सुन कपि भानु चले कर हुआ, रघुवीर पताक समूहा। चलो बड़े बड़े विशाल पर्वत लेकर के आते हैं, चलो बानर भागो। जल्दी
ऋतु सुंदर अति रचना विहस कृपा निधि बोले बचना। सखाओ बड़ा ही रमणीक स्थान है, सुंदर भी है, क्यों नहीं मेरे हृदय में एक कल्पना जागृत हो रही है, यदि आप सभी की इच्छा हो तो मैं प्रकट करूं। करी हूं यहां शंभुथापना, मोरे हृदय यह परम कल्पना। यही कल्पना है कि मैं इस स्थान पर भगवान शंकर की स्थापना करना चाहता हूं, तो आप सबकी क्या इच्छा है? भगवान आप यहाँ पर शंभु भगवान की स्थापना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, इससे और कुछ सुंदर ठीक है? साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी आप सभी बंदर भालुओं को भेजें, जिससे कि वन से जाकर के ऋषि और मुनियों को बुला करके लाएं। साथ हनुमान जी आप शीघ्र काशी के लिए जाएं और शिवलिंग लेकर के आए। तीन लोक के स्वामी मुझ ना करना इनकार, तीन लोक के स्वामी मुझ ना करना इनकार, किसी अर्जी मेरी मेरे नाथ करो स्वीकार, तो किसी अर्जी मेरी मेरे नाथ करो स्वीकार, जो द्वार दया का खोले बोले, जो द्वार दया का खोले ओ बोले आ, शिव आसन पार लगा देना, मुझे भव से मुक्त दिला देना, लाज मेरी बम भोले भोले, लाज मेरी बम भोले ओ बोले आ, आकर तार लगा देना, से मुक्त दिला देना। सखाओ मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, भगवान शंकर के समान प्रिय लगने वाला मुझे इस संसार में और कोई भी नहीं है। जो गंगा जल पान चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाए, जो मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे धाम के लिए प्राप्त होगा, और जो भी जीव यहाँ आकर के इन पर गंगा जल चढ़ाएगा वो तो सहज में ही मेरी सानुज मुक्ति को पाएगा। मम कृत से तुझ दर्शन करे हैं, सो तनु तज मम धाम सिधरे हैं, और मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का जो भी जीव यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो सहज में ही अपने प्राणों का परित्याग करके संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। सचिवो आप सभी मेरे पास आए और अब ये बताएं कि अब हम करें क्या, क्या करना चाहिए? मंत्र कह पद शिरनाई, मंत्र कह निज मति अनुसारा, दूत पठाई है बाली कुमारा। मैं अपनी मति के अनुसार आपको मंत्रणा दे रहा हूँ, मेरे विचार से आप युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो बाली के पुत्र हमारे युवराज हैं, अंगद जिनका नाम है, आप क्यों नहीं लंका में रावण के समीप उनको भेजें, जो कि सब प्रकार से साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों से एक बार उसे समझा दिया जाए। सती कहा है पिता तंगज जी, आप मेरे पास आइए। कहिए भगवान। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, जय जय सीताराम, लंका जाहु तात मम कामा, जय जय सीताराम। आप बाली के पुत्र हैं, बल और बुद्धि के भंडार हैं, आप लंका के लिए मेरे कार्य के लिए आप जाइए। क्या कहा भगवान, मुझे लंका जाना है। जिसमें हमारे कार्य की सिद्धि हो, आपको लंका में जाकर के वही कार्य करना है और कुछ नहीं करना। भगवान
कर्ता धर्ता सब कुछ आप ही हैं। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है सब कुछ आप करने वाले हैं, किंतु आप अपने भक्तों को अपने छोटों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए अपना कार्य उनसे करवाते हैं। भगवान जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल में, अरे निर्भय है उसको खौफ नहीं, उदयाचल से अस्ताचल में। फिर वो लंका वाले चीज है क्या और कौन हमें डर पाए। एक नाम आपका ऐसा है जिसने पानी पर पत्थर तैराए, किंतु ये सब पीछे जाहिर होगा मैं लायक या ना लायक हूं। हे नाथ शीघ्र आज्ञा दो, मैं जल्दी जाने के पायक हूं। आप केवल मुझे आदेश दीजिए, कृपा कीजिए, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार करूंगा। जय सियाराम। आइए युवराज, लंका में युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध का प्रशिक्षण लीजिए। आपको युद्ध करना है, ठीक है ना? क्यों नहीं, ठीक है। आइए हम और आप दोनों युद्ध करना सीखते हैं, तुम सब भी सीखो। बात कर सुबर आई जुगल अतुल बल फिर तरनाओ। ए लड़नहार, ए राजकुमार है ना तू? ए तू कौन कहां का है बंदर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा लगा देख, तू खौफ ना मेरा खाता है। कर नजर इधर है शेर खड़ा, कर नजर इधर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़ा ही शान का हूँ, नादान तुझे मालूम नहीं मैं पुत्र लंकेश का हूँ। लंकेश के पुत्र, परंतु इन बच्चों से क्या लड़ता है? लड़न हार तुम मूर्ख हो, लड़न न जाने कोई, पर एक बार मोह संग लड़े तो लड़न सिखाऊं तोए। इनसे क्या लड़ता है? लड़ना है तो इधर लड़ता नहीं है मुझे। मैं काल की ज्वाला, विष्का महासागर, भूताल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर महाप्रलय मैं। कहता है मुझे प्रणाम नहीं किया है? तुझे प्रणाम करूं? अरे सुन, मैं उसका भेजा आया हूं जो राजाओं का महाराजा है। आगे से हटूं प्रणाम करूं? क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहुदा हरकत, करता है बेहुदा हरकत इस रामचंद्र के कासिद से। नादान हृदय को थाम जरा, आज पड़ा है पाला अंगद से। आ युद्ध कर। ए अंगद कौला तो खाई, ए पद पद को होम भवाए। इस चले न कर देख भटवारी, माता चले न सके पुकारी। कोलाहल नगर मदारी, नगर कोलाहल मारी, तुझे छोड़ रहा हूं। किस लिए? अपने महाराज से जा करके कह दे, कहो दसी से कि किस एक द्वार पर देख गए सुमेर समझूजत मस्ताना है। अंग अंग जाके
राम दास्ता सो है अंग अंग पहने जो कि राम जी का बाना है। ये गदाधारी योद्धा तो वीर मर्दाना है, दिखाऊं तेरे सरकार को ये मौत का परवाना है। जा करके संदेशा सुना दे, रामा दल से बानर आया है। ठीक है, आप इंतजार कीजिए। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जना। जय हो जय हो जय हो लंकाधीश, रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ महाराज? जो बानर लंका को जला गया था। अच्छा। वो बानर लंका में फिर घुस के आ गया और आते ही आते आपके एक राजकुमार को मार दिया। राजकुमार को मार डाला? जी हाँ। कोई बात नहीं है, अब वो बानर कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ है, अभी आ रहा है, तो उसे यहाँ लबा करके लाओ। और याद रखना कि छल से भल से कैसे भी जैसे भी हो सके उस योद्धा को यहाँ अपनी ओर मिलाना है, क्योंकि वो साधारण बानर नहीं है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। ठीक बात है, जाता हूँ। हाँ। श्रीमान बंदर जी, चलिए अंदर जी। अंदर चलो। गयो सभा मन नेक नमुरा, पाली तनय अति बलवा तुरा। उठे सभा सब कति को देखी, रावण उर्वा को भी देखी। इसको देखकर कैसे खड़े हो गए? न जाने कोई देश का राजा आया है। बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। इसके लिए स्थान दिया जाए। कहे दस कंध कबनते बंदर, कहे दस कंठ कबनते बंदर। मैं रघुवीर दूत दस कंदर। कहते आयो कौन ने पठायो, कहा तेरो नाम है? जात बानर लंक नायक अंगद मेरो नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। कौन बाली नहीं जानिए? ओ, छह मास कांख में जिसके रहे क्या उसे नहीं पहचानिए? तो वो भीर वाली कित गयो? श्री राम बाण विमान बैठ सिधारिये। अंगद, अंगद मैं समझा नहीं तेरा ये ढीठ कलाम, और याद मुझे आता नहीं को बाली कौर हम। सुनिए महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ बानर देशों का, और बालक बली राज का हूँ। महाराज बाली में और तुम में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए आपको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अच्छा। मैं आपसे संधि करने के लिए एवं मेरे पिता बाली का और आपका पुराना दोस्ताना था, मित्रता थी, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, कुछ राय देने के लिए आया है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है तू? क्या राय देने के लिए आया भाई? राय तेरे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि तू ऐसे नहीं समझेगा, तेरी बुद्धि में मेरी बात को स्थान देने के लिए समय लगेगा। तो बोलेगा कुछ तभी तो समझ में आएगा कि समय वैसे ही लगता रहेगा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा। सादर जनक सुत ही कर आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दशकंदर, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर के आया हूँ, और वो शुभ संदेश यह है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। हित की बात यह है कि तुम माता जानकी जी को आगे करके अपने मन का भय दूर करके और प्रभु श्री राम जी की शरण में चलो। यदि तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में चलोगे तो तुम्हारा जितना भी भय है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम निर्भय हो जाओगे। जब तुम त्राहे माम रक्ष माम शरणागतोस्मि इस तरह से उनके चरणों को जाकर के पकड़ लोगे तो
तो वह प्रण को रखने वाले सन्मुख होय जीव मोहि जबई अग्न कोट अग्नास हो तब ही जन्म कोट अग्नास हो तब ही इस प्रण को रखने वाले वो प्रभु श्री राम तुम्हें शरण में आया देख करके अवश्य ही अभय दान करेंगे। नाल हो जा रे कपि बोल बोल संहारी मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। रे कपि पोत न बोल संभारी मूल न जानत मोहि सुरारी। ए बंदर सोच समझ करके नहीं बोलता है, जानता नहीं है कि ये रावण उन देवताओं का शत्रु है। कहो निज नाम जनक कर भाई कई नाते मानिए मिटाई। अपने बाप का परिचय तू मुझे दे रहा है और अपने बाप को मेरा मित्र बता रहा है, किस कारण को लेकर के तेरा बाप मेरा मित्र है? रे कपि पोत सकोच ना सोच बिमूर ना बोलत बहन बचार के। ये जानस मोर प्रताप नरोस शक्र ससेन भगा ही हार के। मन बार अनेकन छान दिए दिख पालक मैं घर नीर भराय के। मैं हर आन ब्राणु तिया निज बाहन कोपल बेग बचार के। सीता को लौटा दूं। क्या कहा तूने? बाली को नहीं जानता है? मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। वो बाली जिससे कभी तुम्हारी मित्रता थी, यदि याद ना हो तो मुझे इस बात को सुनकर के बड़ा अचंभा होता है। कारण काल हु को कार कराल काल कापे खल। बाली अस नाम सुन वीर ना रहत हो और कौन वीर रण धीर जग जन्मो कहूं। समर शस्त्र में जो शस्त्र गहत हो मान और गुमान नहीं राख्यो अब मानिन को। दासो कबो भेंट ना भई बात अस कहत हो। सोई रण रंग का वीर भंग का ये फंका है। शंका नहीं या लंका को करन कंका तू चहत हो। मैं उस बाली का पुत्र हूँ जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने अपनी कांख में दबा करके रखा था। अब याद आया या नहीं? ओ अंगद तह बाल कर बालक उपजो वंश अनर कुल घालक। अंगद अरे तू तो बाली के वंश में अग्नि के समान जन्म लेकर के आया है। गर्भ ना गयो व्यर्थ तुम जाओ निज मुख तापस दूत कहो। यदि तू गर्भ में ही नष्ट हो जाता तो आज तुझे देख करके हमको भी कष्ट नहीं होता। अरे क्या अंगद तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता काज अकाज नहीं। तपसी का तूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप तुझे शर्म नहीं आती है? अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप ठीक है तू उसका दूत हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। अंगद गर वास्तव में तू मेरा होता, मैं सत्य कहता हूं बेटा, गर वास्तव में तू मेरा होता या आज मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अगर अब भी तेरी ये समझ में आ जाए तेरी मोटी बुद्धि में, अगर अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुभगति हो जाए। इस बड़े लाल लंका का कल से सेनापति हो जाए। बनमन में भटकता है उन तापसों के साथ बेटा, इसलिए अब भी तेरी समझ में कुछ आ रहा हो तो यहां का सेनापति बना दूंगा। हाँ हाँ सेनापति। तेने दस गए बाल पे जाई बुझो कुशल सका और लाई। लंकेश तुम बाली की कुशलता जानना चाहते थे कि बाली का क्या हाल है, किंतु बाली का हाल मैं नहीं सुना सकता। समय लगेगा ज्यादा नहीं, केवल 10 दिन का समय। 10 दिन के बाद तुम ही ऊपर जाकर के स्वर्ग में बाली से गले मिलना और उनसे कुशलता पूछना। राम विलोम कुशल जस होई सो सब तो सुनायो सोई। सुन सट भेद हो मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। लंकेश तुम्हारे हृदय में भेद दृष्टि है और जहाँ पर भेद होता है वहाँ पर राम जी का निवास नहीं है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने भेद को दूर कर दो। द्वितीय बात, तुमने कहा
मैं कुल का घालक हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता को मरवाया है। अच्छा, मैं कुल का घालक हूँ किंतु आप तो कुल के पालक हो। इस बात को यदि कोई अंधा और बहरा व्यक्ति कहता तो मैं मान भी लेता, किंतु तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 भुजाएं हैं और 20 कान हैं, फिर तुम इस बात को कहते हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, तुमने कहा कि सेनापत मैं तुझे बना दूंगा। लगता है कि तुम्हारी अब सेना भी धीरे धीरे तुम्हारे पास से भागती जा रही है। मैं ये सब सेवा करता, पर मुझ में वो योग्यता कहाँ? बनू आपका सेनापति, इतनी विद्या और बुद्धि कहाँ? हाँ, सेनापति की जो जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे कुराज में रहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। किंतु हां, अलबत्ता एक विभीषण है, वह तो यहां आ सकता है। अरे सेनापति की बात क्या, वो राज्य चला भी सकता है, किंतु आज उसी विभीषण का संदेश है लंकापति रावण के लिए, एक अकेला विभीषण ही बस रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए इस बात को तुम ध्यान दे करके सुन लेना, एक दिन तुम्हारी ये लंका सारी नष्ट भ्रष्ट होने को जा रही है। चाल चुप कर बंचर कहीं का। तुमने कटक मांस अंगद मोसन भरे कवन जोदा। क्यों रे बंदर, तुम्हारे कटक में कोई मेरे समान योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तब प्रभु नार बेल बलहीना अनुज तास दुख दुखी मलीना। तू उस तापस को योद्धा बताता है? अरे वो तो स्वयं अपने दुख से पीड़ित होकर के दुखी रहता है। राम सीता के वियोग में दुखी है, उसका छोटा भाई राम से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि मालिक तेरा नाबालिक है। आहा, मालिक तेरा नाबालिक है जो नारी का दुख सहता है, भाई के दुख से भाई उसका हर समय दुखी सा रहता है। फिर बानर सब मूली गाजर हैं, अगर तू बंदरों को योद्धा बता रहा है ना, तो बानर सब मूली गाजर हैं। वो सुग्रीव पेड़ सरता तट का, जिस जाम मंत्र पर फूले तुम चौतापन है उस भटका। हाँ हाँ, नल और नील शिल्पी कोरे, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वो है भक्त भीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र चला ना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या करूं तोड़कर टीली को, धोखे से पंछी निकल गया। जो हमारी घास फूस को लंका में आकर के जला गया था, वो कुछ थोड़ा बहुत उस बंदरों में योद्धा है, और कोई कुछ नहीं है। किसके बल की व्याख्या कर रहे हो? हनुमान जी के है। सोई विचार तो प्राकृत सुहाई, दस कंदर में कीन डिटाई, देखो आई जो कछु कतिभाषा, तुमरे लाज न रोष न माका। लंकेश, तुम कहते हो केवल एक हनुमान नाम का बानर जो है वही बलवान है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कारण जिस बंदर के तुम बल की व्याख्या कर रहे हो, अरे भाई उसमें तो बल का नाम ही नहीं है, वो तो हमारे महाराज सुग्रीव के केवल समाचार इधर से उधर करने की सेवा करता है, पत्र बाहक का कार्य करता है। उसके बल को देख करके जब तुम इतने प्रभावित हो। अच्छा। और यदि बलवान तुम्हारी इस लंका में आ गए तो ना जाने तुम्हारा तो नाम सुनकर के ही प्राणांत हो जाए। लंकेश, क्या कहा जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? एक उस छोटे से बानर ने सचमुच तुम्हारी लंका को जला दिया, बड़ा आश्चर्य होता है। किंतु हाँ, सुग्रीव ने चलते समय उसे जो 4 काम बतलाए थे आ गए मुझे अभी याद, जो उसको हुक्म लगाए थे। 4 काम कौन कौन से? प्रथम तो जाकर के सीता माता की सुध लेना। अच्छा। दूसरे उखाड़ करके लंका को सागर में डुबो देना।
तीसरे माँ सीता को कांधे पर बिठला लाना, चौथे बंदी कर रावण को तुम साथ साथ लेते आना। पर असलियत आज मालूम हुई कि वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, वहां जाकर ना मुंह दिखाया है। जो तुमको खटकता है अच्छा ना जाने किस ओर गया, रह गया किस दंगल में। जो तुमको खटकता है रावण वो पहुंचा ही नहीं रामादल में, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, वह तो अभी रामादल तक भी नहीं पहुंचा है। रामादल में नहीं पहुंचा है, ऐसा तो नहीं कहीं समुद्र में डूब करके मर गया हो। कहो रावण रावण जग के तो मैंने भी स्वरण सुने सुन देते। सुन ले बंचर, मैं उन रामणों में से नहीं हूँ कि जितने रावण तूने सुने हैं। मैं कौन सा रावण हूँ कि जाने अपमान सुर राज को नवादी, जाने अपनी भुजान पे एक राज को उठाया है, जाने शीश काट काट समूह पे चढ़ा दीन, जाने युद्ध में प्रचार वो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडलीन सूर चंद कैद कीन, तौन सत तौन दस शीश आज लंका मध्य बैठा है। मैं वो दस शीश हूँ लंकेश। मैंने बहुत से रावण सुने हैं, आप अपने बल की बहुत व्याख्या कर रहे हैं ना, परंतु जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। मैंने आपके बल की अपने आपके पराक्रम की बहुत गाथा सुनी है, श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, पर वहां छोटे छोटे योद्धाओं ने कर दिया खत्म योद्धापन को। आप कभी पाताल में गए थे वहां पर बलि से युद्ध करने के लिए, परंतु वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने अच्छा आपको पकड़ करके और घुड़साला में बांध दिया था। दीपावली के अवसर पर वह दैत्य बालक तुम्हारे दसों मस्तकों पर दीपक जलाया करते थे, वो बात आपको स्मरण है कि नहीं। उस रोज सहस्त्रबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुध है उस धनुष महोत्सव में जब सौ पर बिंदी रख दी थी। सहस्त्रबाहु जब सूर्य भगवान को तर्पण कर रहा था अपनी हजार भुजाओं से, उस समय आप अपने अहमान में आकर के नदी के जल को रोक करके खड़े हो गए। सहस्त्रबाहु ने पीछे मुड़ करके देखा कि नदी का जल किसने रोक दिया है, दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्रोध आया और तुमको पकड़ करके बांध करके पीपल के पेड़ से बांध दिया था। उस समय तुम्हारे ही बाबा तुमको अच्छा छुड़ा करके लाए थे, वो तुम्हें याद है कि नहीं। अरे ओ बंचर, हाँ मैंने तुझसे कहा ना कि तेरी मोटी बुद्धि में ये छोटी बात नहीं आएगी कि मैं भाई वो रावण नहीं हूं, मेरे बल को मां गिरजा भगवान शिव और उनका कैलाश भगवान शिव का नंदी ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूँ दिग पालन में नीर भरावा भूप सुजस खल मो सुनावा। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं, वो देवता पड़े पड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले इस रावण की ओर देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है, भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए, जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है, ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु, ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में, जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है, ये वो रावण है, समझे ना। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसुत सकार, मोर पराक्रम नहीं सुने जितो चराचर झार। समझे ना, आसन मेरे पास में जो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है
ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है, मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। कह अंगद सलज जग माही, रावण ते समान को नाही। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहे से नकाऊ। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा? अरे करेगा भी कहां से, कोई बड़ा बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह, तुम्हारा हाँ हाँ कुछ कह रहा है तू, कह कह तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ शीश काटते जादूगर भी हैं, क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है, उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है? कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल्कि कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है। हाँ। रे कपि अधम, रे कपि अधम, मरण अब चैसी, छोटे बरन बात बड़ कैसी। क्या रे बंदार, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू? और क्या क्या बाजीगर बता रहा है ये बता रहा है? माँ बो रावण नहीं हो, सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूँ। मेरे पास एक आयुध नहीं, अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा हैं। मेरा लघुबंध है विशाल काय, कुंभकर्ण जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ, मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण जाके समसूर कोई दूसरों ना जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख, अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में। मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है, विजय विभूति इस दशौ दुसान में। परम कुबेर सुरेश की ना चला एक, ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में। राम के नंदा, साधारण मानव की चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है वो साधारण मानव है, और ये दस ग्रीव रावण को तू कुछ नहीं समझता है। हे दशकंठ, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, परंतु तू अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम जी का अपमान पर अपमान किए जा रहा है। मैं संधि के लिए यहाँ आया था, अन्यथा तेरी इस स्वर्णमय लंका को अभी धूल धूसित बना देता। परंतु अब मुझसे सहन नहीं होता है जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परहार नहीं करता है तो वो वध का पातक लगता है। इसलिए अब तुझे अपने बल का, अपने पराक्रम का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ले संभाल अपने आप को। पकड़ लो इस बंदर को, पकड़ लो इसे, ये भाग न जाए, मार डालो इसे। अरे ओ नारी छोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे ले आऊं किसी अच्छे वैद्य को जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। ये देखा चमत्कार, इस रामचंद्र के काशित का मेरे बल से अनुमान लगा श्री रामचंद्र बल सागर का। ए बंदर, तेरी ये लंका है गूलर फल समान, तेरी ये लंका है ये एक गूलर के फल के समान है, और तुम जितने भी निशाचर हैं इन सब में एक भुनगे के समान बसते हो। तेरी लंका है गूलर फल समान,
और भुनगे से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो यही कार है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। इसलिए देख लिया चमत्कार, अब मेरे ही बल से अनुमान लगा ले कि जब सेवक में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। ओ नर, मर्यादा के भीतर रह बानर, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं सिर धुन धुन कर पछताने का। हम दोनों आप निपट लेंगे कि जिनमें छिड़ रही लड़ाई है, तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बकबक यहां लगाई है। अरे तू तो बंदर है, वृक्षों पर जाकर के उछल कूद अपने बल को जता, यहां आकर के तू मुझे कुछ राय देने के लिए आया है। हाँ हाँ, तुझे राय देने के लिए आया हूँ। क्या राय देने के लिए आया है? कारण की यदि दोनों ओर संधि होगी, संधि तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये यहाँ पर चारों ओर शांति का राज रहे। अच्छा। सैनिक बलिदान नहीं होंगे पर रण चंडीगढ़ चेत गई तो ये पृथ्वी श्रोणित मैं होगी, जय और पराजय पीछे होगी, पहले यहाँ महाप्रलय होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तेरी ये रानियां कहीं विधवा ना हो जाएं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, संधि कर ले राम जी। संधि के लिए आया है? हाँ। अरे तो तूने जब से क्यों नहीं बताया? तो तापस ने तुझे संधि करने के लिए भेजा है। तो भाई अंगद, अगर तेरा स्वामी मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को तेरा स्वामी अगर मंजूर करता है तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। वो शर्त कौन सी है? अच्छा, वो संधि चाहता है। अच्छा, अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर कि पहले दे भेद भीषण को सर रखे मेरे चरणों पर। अच्छा। उसके पश्चात फिर तोड़े सेत समुद्र का, फिर तोड़े सेत समुद्र का जो आने न पाए लंका में, उन हनुमान का मान बिटा भेजे रावण की सेवा में, उसके पश्चात तृण दबाकर दांतों में, तृण दबाकर दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोरे मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर ये शर्त तेरे स्वामी को मंजूर हो तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। ये शर्त है तुम्हारी? बस यही या इससे और अधिक? क्या तुमने मुझको सुना पर दिया? ध्यान रखना, सीता को नहीं दूंगा, संधि करने के लिए सोचूंगा पर सीता को वापस लौटा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। बस यही या फिर इससे और अधिक? ये सब बातें मामूली हैं, जो तुमने अपनी शर्तें रखी हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। हे भक्त विभीषण, आप ही का वो उसे यहाँ पठावेंगे। अब तक जो हो चुकी है महाहान उन सबको हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई है महाहान, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? वो कौन सी महाहानि है? जब जब महलों में जाओगे। अच्छा। महाराज, आप जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वो सुपर खाकी कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अच्छा, रो देख लो भाई, देख लो लंका वालों, देख लो कि अपनी स्वामी की प्रभुता को कितना चढ़ा बढ़ा करके बोल रहा है। इसके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कानों को काट लिया, नारी के नाक कानों को काट करके वो बलवान अपने मन में बनता है। आ? तेरा स्वामी निठल्ला निकम्मा जान करके उसके पिता ने उसे देश निकारा दे दिया। ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेली जान नाशका ने मंद की। अकेली अबला को समझ करके उसके नाक कानों को काट लिया तो कौन सी वीरता का काम किया? ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेले जान नाशका ने मंद की। मारी सुबाव तार का कबंद ने, खरदूसन सो कीनी मार छल चंद की। प्यार एव बाली बद आयुष आगाद लिए, तेरे स्वामी ने अगर काम किया तो चोरी से छुप करके, योद्धापने का काम नहीं किया, उस बाली को छुप करके मारा। अगर तेरे स्वामी की भुजाओं में बल था
तो संग्राम भूमि में बाली को मार करके दिखाता। ब्याद एब बाली बद आयुष आघात लिए, निज स्वरत सुकट मत मंद की, अरे मोय जान सबल पठायो तुए संधि हेत, जान परी बीता तुम्हारे राम चंद्र की। मैंने जान लिया कि तेरा वो रामचंद्र कितना बड़ा बलवान है। अरे रावण, अच्छा चोरी से उन्होंने नहीं मारा, चोरी का कार्य तू करता है इसलिए चोर को चोरी ही नजर आती है, अपनी नहीं कहता। गयो दशानन स्वान की नाई, अरे तू तो एक स्वान के समान गया था चोरी करने के लिए, पर सुन अपनी तो बड़ाई तू करत है बार बार, तेरी तो बड़ाई तीनों लोकन में छाई है, बहन तो तेरी ढूंढत भरतार फिरे, ऐसी बेशर्म जाने लाज बेच खाई है। वो पहुंची श्री राम ढेंग, बोली मधुर मुस्काए, मोसंग विवाह करो ये बात कह सुनाई है, पर राम रंग के रंगीले और लखन हट के हटीले, अरे तब नाक कान काट पंच बटी सो भगाई है। अरे तेरी इस बड़ाई को संसार में कौन नहीं जानता, पर सुन अच्छा। सुन तू इन पर ये वीर है, इन योद्धाओं पर तू इतना अहंकार कर रहा है, इन योद्धाओं पर जिनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तू अपनी इतनी ढींग मार रहा है, तो सुन आज मैं तुम्हारी इस पूरी लंका को, सारी लंका के मध्य में अपने दाहिने पैर को जमाता हूं, और जिस भीड़ में शक्ति हो वो आकर के मेरे पैर को उठा ले, यदि किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो फिर प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि तुम में से किसी में शक्ति हो तो आए और मेरे पैर को उठाए। ओहो, देखा ये बंचर सभा में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो योद्धा मेरे पाम को खाड़ेगा सीता को मैं हार जाऊंगा। तुझे भाई सीता, सीता को नहीं हार जाऊंगा, प्रभु श्री राम सीता जी के सहित लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा, शर्त को सुन ले। अच्छा सुनो, सुन के दस सीसा रखो पैर, बोल महावीर आगे बढ़ो और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामा दल में फेंक दो।